हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू ऑल अ हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, मैंने रियलमी बस क्लासिक गिव अवे का रिजल्ट भी निकाल दिया है और गिव अवे विनर का नाम है फरज अलाम खान। मैंने उनको ईमेल भी किया है लेकिन उन्होंने अभी तक ईमेल का रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर फरज अलाम खान जी ये वीडियो को आप देख रहे हो तो मुझे रिप्लाई करना, क्योंकि अगर आप 3 दिन में रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे नया विनर चूज करना होगा। इसीलिए तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी टेक न्यूज लाया हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली न्यूज है रियलमी की तरफ से। तो आज रियलमी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रियलमी X7 सीरीज अगले साल के स्टार्टिंग में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज एक लीक से जानकारी मिली है कि रियलमी X7 सीरीज क्रिसमस के आसपास इंडिया में लॉन्च होगी। फिर रियलमी X7 सीरीज की सेल स्टार्टिंग ऑफ 2020 में होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप लोग रियलमी X7 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगली न्यूज भी रियलमी की तरफ से ही है। तो आज एक लीक से जानकारी मिली है कि रियलमी X50 प्रो का सक्सेसर रियलमी X60 प्रो भी रियलमी जल्द ही लॉन्च करेगा। ऐसी जानकारी मिली है कि रियलमी X7 सीरीज के लॉन्च के बाद रियलमी X60 प्रो भी इंडिया में जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज OnePlus के नए स्मार्टफोन का कोड नेम ऑनलाइन रजिस्टर हो चुका है और इस स्मार्टफोन का कोड नेम है डेनिस। और लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि ये स्मार्टफोन OnePlus Note का सक्सेसर यानी कि OnePlus Note 2 होगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग OnePlus Note 2 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज से iPhone 12 मिनी एंड iPhone 12 प्रो मैक्स की सेल इंडिया में स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इसे Flipkart, Amazon या फिर Apple.com से खरीद पाओगे। दोस्तों, आज एक लीक से जानकारी मिली है कि Redmi के 40 सीरीज के अंदर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली OLED डिस्प्ले दिखने को मिलेगी। हाँ, Redmi के 40 वेनिडा एडिशन में भी हमें OLED डिस्प्ले ही दिखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि Redmi के 40 वेनिडा एडिशन इस साल के एंड में लॉन्च होगा। और दोस्तों, Redmi के 40 प्रो अगले साल के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग Redmi के 40 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो आज सैमसंग गैलेक्सी A12 Geekbench की वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है और इस लिस्टिंग से यह पता चलता है कि इस स्मार्टफोन में 3GB की रैम एंड MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर दिखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन सैमसंग जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।